नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, दो दिन पहले यूके की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के सामने आया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि यूके इंडिया के फ्यूचर इंजन प्रोग्राम के कोलैबोरेशन के लिए बात को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसमें यूके अपने तरफ से इंडिया को ऑफर कर रहा है EJ200 इंजन को। और उसी न्यूज में यूके के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इस बात को भी कहा गया था कि यूके इंडिया के साथ फ्यूचर में डिफेंस सेक्टर के ऊपर पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाना चाहता है, जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शामिल है। और इस पार्टनरशिप में जिस टॉपिक को सबसे अहम माना जा रहा था वो है यूके के फ्यूचरिस्टिक 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम टेम्पेस्ट। यानी यूके इंडिया को अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम में कोलैबोरेशन के लिए ऑफर कर रहा है। तो आज के वीडियो में इसी कोलैबोरेशन के पॉसिबिलिटीज को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये प्रोग्राम इंडिया के लिए कितने हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्यों यूके इंडिया को चाहता है इस प्रोग्राम के कोलैबोरेशन में। तो इसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि कोलैबोरेशन क्यों बनता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के एडवांस प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेशन बनता ही है पहले तो फंड्स के लिए, क्योंकि इस तरह के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा मात्रा में कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनके डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा मात्रा में रिसर्च का जरूरत पड़ता है, जो कि होता है काफी महंगा। तो फिलहाल के सिचुएशंस के अनुसार इतना सारा पैसा अकेले यूके की तरफ से दे पाना मुश्किल है, और इसीलिए ही यूके वर्ल्ड वाइड काफी सारे कंट्रीज को अप्रोच कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा आप अगर देखें तो इन प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस भी एक बड़ा मैटर बन जाता है। आप अगर यूके की बात करें तो यूके का पास्ट एविएशन इंडस्ट्री में उतना भी अच्छा नहीं रहा। यूके को काफी सारे फेल्ड प्रोजेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। यूके के फेल्ड प्रोजेक्ट्स के हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको एक बड़ा लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें टॉर्नेडो, लाइटनिंग और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट भी आपको मिल जाएंगे। आप लोग शायद इस लिस्ट में जैगुआर का नाम सुनकर थोड़ा सा हैरान होंगे, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये भी कुछ हद तक एक फेल्ड प्रोजेक्ट के तौर पर ही देखा जाता है, क्योंकि एक तो ये जेट बहुत मात्रा में फ्यूल को कंज्यूम करता है, उसके अलावा ये जेट अंडर पावर्ड है। इसके इंजन का जो सर्विस लाइफ है वो सिर्फ 10 आवर्स का है, जबकि हमारे MiG-21 का भी इंजन लाइफ है 25 आवर्स। अब आते हैं फायदे के ऊपर कि अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में यूके को ज्वाइन करे तो इंडिया को क्या क्या फायदा मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में इंडिया को कुछ हद तक फायदा तो मिल सकता है, जैसे कि अभी दुनिया के सुपर पावर्स फ्यूचर जेट प्रोग्राम में रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें शामिल है जापान, यूएसए, यूके। तो अगर इंडिया भी फ्यूचर के सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में जाए तो ये इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मगर इस प्रोजेक्ट में इंडिया को जितना फायदा मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा ये इंडिया के ऊपर बोझ साबित हो सकता है। पहले तो आप अगर इस एयरक्राफ्ट के टाइमलाइन को देखें तो इसका फर्स्ट फ्लाइट होने का चांस है 2035-40 तक। वही दूसरी तरफ उसी टाइम पे हमारे AMCA Mark 2 भी अपना फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करेगा, जो भी लगभग 6th जनरेशन जेट का कैपेबिलिटी के साथ ही आएगा। तो इस टाइम पर टेम्पेस्ट के ऊपर जाने से बेहतर है हम AMCA Mark 2 के ऊपर ही इन्वेस्ट करें। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट AMCA Mark 2 के ऊपर एक बैड इफेक्ट भी डाल सकता है, ठीक जैसे FGFA के कारण AMCA 5 से 6 साल तक डिले हो गया। तो बेहतर यही होगा कि हम हमारे इंटरनल प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करें, यह हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी लाएगा और हमको सेल्फ रिलायंस भी बनाएगा। उसके अलावा और भी कुछ फायदे हैं फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि यह टेम्पेस्ट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को फायर कर सकेगा, ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, एडवांस इंजन इंस्टॉल होगा। मगर यह सारे टेक्नोलॉजी हम AMCA Mark 2 में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम पहले से इनमें से काफी सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में और भी काफी सारे डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इसके ऊपर जिन टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जाएगा वो तो काफी एक्सपेंसिव है ही। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट में डिले का चांस भी है, क्योंकि ये सिर्फ अभी ऑन पेपर ही है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में इंडिया अगर शामिल हुआ तो इसमें इंडिया को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफी सारे कंपनीज के साथ साथ काफी सारे कंट्रीज भी शामिल है, तो इंडिया को कुछ मामलों में कॉम्प्रो तो करना पड़ेगा ही। आपका क्या ओपिनियन है, क्या इस टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में इंडिया को शामिल हो जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।